f of x equal to mod tan 2x, then find the value of f dash x at x equal to pi by 3. देखो, हमारे पास f of x दिया है mod tan 2x, आपको f dash x निकालना है. f dash x का मतलब है कि आपको differentiate करना है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले देखो mod tan 2x है, पहले तो mod को हटाना पड़ेगा. देखो mod दो तरीके से खुलता है, या तो ये प्लस से खुलता है या तो ये माइनस से खुलता है. अब आपको चेक करना पड़ेगा ये प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा. देखो हमारे पास x की वैल्यू दिया पाई अपॉन 3 और हमें चाहिए 2x, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन 3. पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड किया, 16 into 120. तो tan 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो fx हो जाएगा माइनस tan 2x. अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, x की डिफरेंशिएशन होती है f'x. देखो डिफरेंशिएशन ऑफ fx को आप लिख सकते हो f'x. tan x की डिफरेंशिएशन secant square x और 2x की डिफरेंशिएशन 2. इसमें x की जगह पाई अपॉन 3 डाल दो, तो secant square 2 पाई बाय 3. secant 2 पाई बाय 3 मतलब secant 120. secant 120 मतलब secant 180 माइनस 60. ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होगा. माइनस secant 60, secant 60 होता है 1/2, तो माइनस 1/2, तो ये बनेगा माइनस 2 into माइनस 1/2, तो 1 आंसर.